इंदौर शहर में नशे के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां जोन नंबर एक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार कर NSA के तहत कार्रवाई की है। पकड़ी गई महिला तस्कर पंगुबाई पर 23 अवैध नशीले पदार्थ के मामले दर्ज है, तो वही उषा नाम की महिला पर एक दर्जन से अधिक NDPS के मामले दर्ज है। इसके अलावा पुलिस ने राजस्थान के एक तस्कर आमिर खान को पकड़ा है, जिस पर NSA की कार्रवाई की गई है और तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भेज दिया। कल इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मिली है नशे के कारोबारियों के विरुद्ध, जिसमें कुल इंदौर से तीन और जोन वन से विशेष तौर पर दो जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध पिट्स NDPS कन्फर्म हुआ है। इसमें एक आजाद नगर के में ट्रक पेडलर पांगुबाई है, जो लगातार इस तरह के कृत्य में काफ़ी टाइम से संलिप्त है, और इनके ऊपर कुल 23 अपराध हैं, जिसमें से NDPS के इनके विरुद्ध लगभग 3 अपराध हैं। और इसके अलावा एक और अन्य ड्रग पेडलर जो प्रतापगढ़ राजस्थान का है, जिसका नाम आमिर खान है, उसके विरुद्ध भी जो पिट्स की कार्यवाही है उसको अपहेल्ड किया गया है। ये जो आमिर खान है, इसका नेटवर्क जो है राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर में फैला हुआ है, और ये पांगुबाई का एसोसिएट्स भी रहा है, उसको सप्लायर भी है। तो इसको भी जो क्राइम टीम है उसने काफ़ी मेहनत से इसको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया था। तो इस प्रकार से इन लोगों के ऊपर करीब 5 मुकदमे जो हैं अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हुए, और जिसमें इनको गिरफ्तार भी किया गया। इंदौर में कुल 3 लोग हैं और जोन वन के 2 हैं, जिनमें एक पांगुबाई और सरिता, और दूसरा जो है वो आमिर खान है, प्रतापगढ़ राजस्थान का। ये पिट्स NDPS के तहत जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनके ऊपर हम लोग काफी कठोरता से कार्यवाही कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ड्रग के ऊपर बहुत ही कठोर कार्यवाही की जा रही है, और पिट्स NDPS एक बहुत ही मजबूत धारा है जिसके तहत प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। तो निश्चित रूप से इंदौर के लिए एक बड़ी कामयाबी। इसमें ये जो प्रतापगढ़ का जो नेटवर्क है, जो राजस्थान का नेटवर्क है, ये एक सप्लायर चेन है जो आसपास के जिलों में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ सब इसका माल सप्लाई होता था। और लोकल पेडलर जो आजाद नगर क्षेत्र में पांगुबाई और सरिता है, इसको भी 2-3 प्रकरणों में पुलिस के द्वारा NDPS के प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। और एक बार इसने जो आबकारी की टीम भी इसके घर जब दबिश देने आई थी 2017 में, तो इसने उनके ऊपर हमला किया था, इसके और इसके एसोसिएट्स हैं, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए थे वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये लोग जो हैं एक काफ़ी समय से इंदौर में इस तरह की घटनाएं कर रहे थे, और हम आशान्वित हैं कि आने वाले समय में भी हमको इस तरह की बड़ी कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑन है, और अलग अलग थाने जिनमें राजेंद्र नगर, राऊ, आज़ाद नगर थाने, भंवर, एक भंवरपुआ का भी प्रकरण है, तो ये सारे थानों में इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होकर के इन्वेस्टिगेशन ऑन है। लोगों के मकान ये निर्णय जो है वो प्रशासन का होता है, ये उनका परव्यू है। इसमें चूंकि जो पिट्स NDPS एक्ट है, इसमें जो कमिश्नर होते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर, उनकी तरफ से भी ये बोर्ड को डेफिनेटली मूव ऑन होता है, तो ये निर्णय प्रशासन ही करेगा।